हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट हो रहा है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने एक आंसर करेक्ट किया है तो उस पे एक क्वेश्चन, अगर आपने करेक्ट किया है तो उस पे आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। मतलब हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, अगर आप सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। एंड -2 मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आप वही क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हो, इनकरेक्ट सॉल्व करते हो, तो आपको -2 नंबर दिया जाएगा। ओके, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -2 मार्क्स दिया जाएगा, दो क्वेश्चन को गलत करते हो तो -2 -2 -4 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन पे जो आप इनकरेक्ट कर रहे हो उस पे आपको -2 मार्क्स दिया जाएगा। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उस पे आपको 0 मार्क दिया जाएगा। तो इसमें 3 पार्ट पूछा है। पहला है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन ने 4 क्वेश्चन सही किया है एंड 6 क्वेश्चन गलत किया है, तो उसका आप टोटल स्कोर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले 4 करेक्ट लिखिए, मार्क्स ऑफ 4 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, कितना मार्क्स मिलेगा जब उसने 4 सही किए हैं? तो एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिल रहा था, तो 4 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे? 5 × 4, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स दिया जा रहा था तो 4 पे 5 × 4 दिया जाएगा, इसको 20 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के, मार्क्स ऑफ 4 करेक्ट आंसर। और इसका मार्क्स ऑफ कितना इसने इनकरेक्ट किया है? 6 इनकरेक्ट किया है, तो मार्क्स ऑफ 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट आंसर का क्या होगा मार्क्स? तो हो जाएगा इनकरेक्ट का -2, एक क्वेश्चन का -2 था, इसने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो हो जाएगा 6 × -2, क्या आ जाएगा? 6 × 2 = 12, मतलब माइनस का 12। अब इसके पूछ रहा है कि कितने स्कोर हुए, तो लिखिए मोहन स्कोर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 − 12, कितना आएगा इसका स्कोर? 8, दिस इज द आंसर। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, रेशमा 5 करेक्ट आंसर पाती है एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 इनकरेक्ट आंसर पाती है, व्हाट इज हर स्कोर, इसका स्कोर क्या होगा? तो लिखिए मार्क्स ऑफ 5 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन जब आपने सही किया तो 5 मार्क्स मिल रहा था, इसने 5 क्वेश्चन सही किया है तो इसको 5 × 5 मार्क्स मिलेगा इज इक्वल टू 25 मार्क्स मिलेगा, एंड देन उसने 5 इनकरेक्ट किया है, तो लिखिए मार्क्स ऑफ 5 इनकरेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 5 इनकरेक्ट आंसर का? एक इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स था, तो 5 इनकरेक्ट आंसर का 5 × -2 होगा, 5 × -2 हो जाएगा, दैट इज -10। अब आप निकाल दीजिए रेशमा स्कोर निकाल दीजिए, रेशमा का कितना स्कोर आएगा? 25 − 10 होगा इज इक्वल्स टू 15, रेशमा कितने मार्क्स पाएगी? 15 मार्क्स, दिस इज आंसर। सी पार्ट क्या कह रहा है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, हीना ने 2 करेक्ट किया और 5 इनकरेक्ट किया, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड, और उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका मतलब उसने कितना अटेम्प्ट नहीं किया, उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, व्हाट इज हर स्कोर? तो चलिए लिखिए मार्क्स ऑफ कितना करेक्ट है, 2 करेक्ट, 2 करेक्ट आंसर कितना होगा मार्क्स?
बचेगा 5 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा 5 टू जा 10, दैट इज माइनस 10। और इसमें तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है उस पे 0 मार्क्स मिलेगा। तो लिखिए मार्क्स ऑफ, कितना नहीं किया उसने, 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, मार्क्स ऑफ 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड आंसर, जो उसने अनअटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका क्या होगा मार्क्स, उसका होगा 3 into 0, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर रहे थे तो 0 मार्क्स, इसने 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है तो उसका क्या हो जाएगा 3 into 0, दैट इज 0। तो इसके टोटल मार्क्स बता दीजिए, कौन है हीना, हीनास स्कोर इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 + -10 + 0, ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 10 - 10 = 0, 0 + 0 = 0, इसका मतलब हीना को 0 मार्क्स मिले हैं, यही आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।